देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक ICICI की चर्चा जोरों पर है। दामन पर दाग दर दाग का दौर जारी है। बैंक की CEO चंदा कोचर कटघरे में है। चंदा पर बड़े घोटालों में शामिल होने का आरोप लगा है। ताजा मामले की बात करें तो वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में विसल ब्लोअर अनिल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पत्र लिखकर ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर पर नए आरोप लगाए हैं। गुप्ता का दावा है कि ICICI बैंक ने SR ग्रुप के रुइया ब्रदर्स को लाभ पहुंचाया, जिनके बदले SR ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के फर्म में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। ये ऐसे आरोप हैं जिनको लेकर अब CBI ने भी चंदा कोचर समेत उनके पति पर अपना शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि अनिल गुप्ता ने इससे पहले भी मार्च 2016 में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि चंदा कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच गलत डीलिंग हुई है। इस मामले में पिछले हफ्ते सेबी ने ICICI बैंक और चंदा कोचर को नोटिस भेजा था। इस नोटिस के बाद बैंक के बोर्ड ने एक बैठक की और बैठक के बाद स्वतंत्र जांच का फैसला लिया। बैंक के बोर्ड का कहना है कि जांच स्वतंत्र और विश्वसनीय शख्स करेगा। जांच का दायरा विस्तृत होगा और इसमें सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। जहां और जब जरूरत पड़ेगी फॉरेंसिक और ईमेल की जांच की जाएगी। इससे जुड़े हुए लोगों के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ICICI बैंक के बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा था कि उसे बैंक की MD चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है और मीडिया में आई खबरें महज अफवाह हैं। लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक बोर्ड ने इस सिलसिले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला लिया है। समिति ये जाँच करेगी कि कर्ज देने के मामले में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है या नहीं। फिलहाल बैंक बोर्ड का कहना है कि उसकी ऑडिट समिति कार्यवाही को लेकर आगे फैसला करेगी। ऑडिट कमेटी ही जांच समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। उधर खबर ये भी है कि बैंक ने चंदा कोचर को छुट्टी पर भेज दिया है। हालांकि ICICI बैंक बोर्ड का कहना है कि CEO चंदा कोचर की छुट्टियां पहले से ही तय थी। खैर कुछ भी हो, मगर आरोपों की छड़ी, समितियों का गठन और CBI का कसता शिकंजा बहुत कुछ कहता है। दाग लग चुका है। जाहिर है चंदा और ICICI बेदाग नहीं रहे। NTI पॉकेट TV के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट।